उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी में मौजूद कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। लेकिन जब हाल ही में जगन्नाथ मंदिर में 46 साल बाद रत्न भंडार के खजाने को खोला गया तो कुछ ऐसे रहस्य सामने निकल कर आए हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर भारत के चारों धामों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इन चारों धामों की यात्रा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के इस धाम में भगवान जगन्नाथ के साथ उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र विराजमान हैं। इस मंदिर में 12वीं सदी का खजाना आज भी मौजूद है। इस खजाने को उस समय के राजाओं ने मंदिर को दान में दिया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जगन्नाथ के मंदिर में स्थित तहखाने का दरवाजा कई सालों से क्यों बंद है, आखिर उसे कोई क्यों नहीं खोल पा रहा है। देखिए, प्राचीन काल से इस मंदिर पर कई लोगों की आस्था रही है, जिसकी वजह से राजा महाराजा बेशकीमती आभूषण और रत्न इस मंदिर को भेंट किया करते थे। सैकड़ों सालों से इस मंदिर को जो भी दान मिला है वो श्री जगन्नाथ भगवान के पैरों के नीचे बने रत्न भंडार में मौजूद है, और इसी रत्न भंडार को 46 साल बाद 14 जुलाई को खोला गया। तो ऐसी जानकारी सामने आई है कि वैज्ञानिक के पसीने छुड़ा दिया है। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि पिछले 46 सालों से इस खजाने को हाथ लगाने की हिम्मत वैज्ञानिकों की भी नहीं हुई थी। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर सबसे ज्यादा अपनी रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जो हर साल जून और जुलाई के महीने में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को विशाल रथों में शहर की यात्रा कराई जाती है। देखिए, जो वैज्ञानिक भावनाओं को विज्ञान के सहारे जोड़ते हैं, जगन्नाथ मंदिर के उलझे रहस्यों को देखकर उनकी भी बोलती बंद हो गई है। दोस्तों, हाल ही में जगन्नाथ के तहखाने के रत्न भंडार के खजाने को 46 साल बाद खोला गया है, और कई वैज्ञानिक यह बताते हैं कि जहां पर ये खजाना मौजूद था वहां कई सारी रहस्यमयी गुफाएं मौजूद हैं। इसीलिए इसकी जांच के लिए पुरी के राजा के तरफ से आधुनिक हथियार और मशीनों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, ताकि इन गुफाओं की जांच करके उनकी रहस्यमयी बातों को सुलझाया जा सके। आपको बता दें कि इस रत्न भंडार के बाहरी दरवाजे को 14 जुलाई और 18 जुलाई को उसके आंतरिक दरवाजे को खोला गया है, लेकिन रत्न भंडार के ताले की जो चाबियां थी वो नहीं मिल पाई हैं, जिसके कारण रत्न भंडार को निकालने के लिए तालों को आधुनिक हथियार का उपयोग करके तोड़ा गया। ऐसा कहा जा रहा है कि जब रत्न भंडार के आखिरी दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो ऊपर से कुछ पत्थर गिरे, जिसके कारण रत्न भंडार की दीवारों में दरार आ गई, लेकिन किसी तरह दरवाजा खोल लिया गया था। और रत्न भंडार तक कई लोगों की टीम गई थी, जिनमें सपेरा, एक्सपर्ट डॉक्टर, मंदिर के सुरक्षा अधिकारी, पुजारी और पुरी के राजा भी रत्न भंडार के तहखाने तक गए थे। वैसे वहां सोने और चांदी के रत्न भंडार थे, लेकिन उसी बीच ऐसी घटना घटी जो सभी को हैरान करके रख दिया। दोस्तों, जब खजाने की जांच की प्रक्रिया शुरू हुई तो वहां मौजूद एसपी तुरंत बेहोश हो जाते, लेकिन उनके बेहोशी का कारण अभी तक पता नहीं चला है, और अभी भी तहखाने की जांच आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जारी है। लेकिन जब खजाने के बक्से को खोला गया तो उसमें मौजूद सोने, चांदी और अन्य जेवरात के साथ भारी भरकम मात्रा में पानी भरा हुआ मिला है, जो सभी को हैरानी में डाल रहा है कि आखिर बॉक्स में पानी आया कहां से, क्योंकि रत्न भंडार पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा अभी भी इस पर जांच जारी है। ऐसी और रहस्यमयी जानकारियां पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।